ओके okay? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है परचेज या सेल का जो जो की कहते हैं शेयर स्टॉक और कॉमोडिटी का कैन नेवर बी स्पेकुलेटिव इसके सिवा बाकी कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा लेकिन शेयर स्टॉक और कॉमोडिटी हुआ तो वो हम कहेंगे स्पेकुलेटिव इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड शेयर ऑफ द शेयर स्टॉक एंड कॉमोडिटी इज अल्टीमेटली सेटल अदरवाइज बाय द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द दिटी इट वुड बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन

यानी अगर वो ट्रांजेक्शन आपने डिलीवरी ली है अपनी शेयर आज आपने परचेज कर लिए और आप उसको अपने पास रह, आ, रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा लेकिन उसे स्पेकुलेटिव नहीं कहा जाएगा सो स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में बोला जाए तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इन दिस केस ऑफ ऑफ अमोडिटी के बारे में बताए तो द प्रोविजन इज एप्लीकेबल होता है फॉर द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फेक्शन एक्सप्लेनेशन दे रखा है सेक्शन सेवेंटी थ्री के अंदर कि टैक्स पेयर इज अ कंपनी अगर वो कंपनी है एंड इट इज नॉट द इट इज अ कम नॉट अ कंपनी हुज ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट मेनली ऑफ द इनकम विजेबल अंडर द हेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स यानी अगर वो कंपनी नहीं है और उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो है इज अंडर द हेड यानी ये सारे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में है या हाउस प्रॉपर्टी में है कैपिटल गेन में है या अदर इनकम में है तो अल्टरनेटिवली इट द कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज अदर देन दैट ऑफ द बैंकिंग एंड द ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स लोन एडवांस यानी अगर ऐसा कहा जाए कि कोई कंपनी है जिसका प्रिंसिपल काम क्या है लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना या लोन एडवांसिस देना ये स्पेकुलेटिव बिजनेस बि के अंदर कॉमोडिटी के अंदर मेंशन किया गया और नंबर थ्री

तो भी वो क्या कहा जाएगा स्पेकुलेटिव कहा जाएगा फर्स्ट थिंग तो एक टैक्स पेयर कंपनी होनी चाहिए बेस्ट uh, है प्रिंसिपल बिजनेस इज अदर देन द बैंकिंग सॉरी बिजनेस इज अदर देन द बैंकिंग एंड द ग्रां का लोन एडवांसिस और तीसरा जो बता रखा है कि अगर कोई कंपनी है द परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर ऑफ द अदर कंपनीज ऐसा बता रखा है तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम कहा जाएंगे कि वो स्पेकुलेटिव में आता है तो स्पेकुलेटिव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम अगर आपका जो स्पेकुलेटिव इनकम है तो उसके अगेंस्ट में आप स्पेकुलेटिव लॉस क्या कर सकते हो सेटल कर सकते हो तो लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्योर एंड द सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस

जिस साल आपने कंप्यूट किया है, सपोज 2001, 2002 में आपने कंप्यूट किया है लॉस, तो आप क्या कर सकते हो, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है सक्सेसिंग फोर असेसमेंट ईयर, यानी 2001, 2 है, तो, तो उसके बाद कह सकते हैं कि 2, 3, 3, 4, और 4, 5 और 5, 6, चार साल तक आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। Continuity of the business नॉट नेसेसरी यानी अगर आपने करंट ईयर में लॉस किया है और आपने बिजनेस बंद भी कर दिया है तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इट इज नॉट कैरी ऑन ऑन दबसिक्योर ईयर यानी आगे के सालों में अगर आप वो बिजनेस नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको चार तक चार साल तक आप उसको uh, क्या कर सकते हो सेट ऑफ कर सकते हो विच इज अस टू सेट ऑफ द लॉस बट शुड बी

एंटर इन दिहांट इन ऑन बिहाई बंदा है उसके अगेंस्ट उसका एजेंट अगर आप सामने दे रहा है तो नहीं मिलेगा थर्ड जो लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एंटर इन बिहाफ ऑफ द कंटिन्यूशन कि यहाँ पे जो लिखा है कि फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है इनकम इनकम फ्रॉम द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एंटरट्यूट इज नॉट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ओके कैरी फॉरवर्ड बाय बाई यानी वो भी आप नहीं कर सकते अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एंड सेट ऑफ ऑफ द कैपिटल लॉस की बात करें स्पेकुलेशन so, के बाद हमारा टॉपिक है कैरी फॉरवर्ड लॉस फॉर कैपिटल लॉस इफ द नेट रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटेशन अंडर कैपिटल गेन इज लॉस द होल अमाउंट ऑफ लॉस बी कैरी फॉरवर्ड यानी अगर आप कोई बिजनेस करें और उसके अंदर कैपिटल गेन के अंदर कोई आपको लॉस हो रहा है तो पूरे का पूरा लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इफ द फॉलोइंग एसेमेंट इज फॉलो एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल बेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म लॉस के सामने सेट ऑफ होगा ऐसे लिखा है कि सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर देंट ईयर ये लॉस आपको आठ साल तक आप मिल सकते हो इमिडिएटली सक्सीडिंग दसेसमेंट ईयर इन रिटर्न uh, वि तो okay? ये तो सब में लगा है कि जब भी आप कोई भी रिटर्न अगर आप कैरीफर लॉस इज दे रहे हो तब तो हमेशा आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना होगा अदरवाइज वो आपको कैपिटल लॉस यानी कोई भी लॉस होगा स्पेक्युलेटिव लॉस हुआ या फिर कैपिटल लॉस हुआ वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा सो टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है ना मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस यानी ये कैजुअल इनकम के बारे में बात करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ द सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस सेक्शन सेवेंटी फोर ए लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड

ये चार साल तक आप कैरी कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो सच लॉस कैन नॉट बी अनलेस रिटर्न फाइल विद इन द टाइम अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो ये भी आपको नहीं मिलेगा अच्छा इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सो फॉर द पे नंबर फोर में मेंशन लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ लॉस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो फर्स्ट अमाउंट ऑफ द स्टेक मनी जो आपका है वो काउंटिंग होगा दर इज उसमें से लेस कर देंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर टैक्स पेयर होली और होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर दर्पजेस यानी अगर आप से कोई मिल रहा है उसका कोई लॉस हो, हो रहा है तो माइनस कर दिया जाएगा फिर बैलेंस अमाउंट लिखा होगा आपका negative, सबसे पहले आप उसकी इनकम कंसिडर करोगे उसका वो इनकम में से वही पर्पज के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस मैनेज कर दिया जाएगा और अगर बैलेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड में ले सकते हो नंबर नंबर सॉरी द द ऑफ सेक्शन ए आर एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ओइंग लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड मेंटेनिंग द अदर रेस रेस एनिमल्स इज गवर्न बाय सेक्शन सेवेंटी टू

सेक्शन सेवेंटी फोर ए स्पेसिफिकली हॉर्स रेस के लिए ही होता है अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड द सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड द सेट ऑफ द लॉस इज फॉर फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इट्स वन बी इफ दी इंकर्ड एनी लॉस अंडर द्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में से अगर उसका कोई लॉस हो रहा है तो सच लॉस इज नॉट फुल्ली एडजस्टेड अंडर द हेड ऑफ इनकम द सेवियर

कैरी uh, फॉरवर्ड कर सकते हो एट असिमेंट के लिए तो आठ साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अदर हेड के अंदर नहीं किया जाएगा. 90, 98, 99, uh, years, अगर पहले का हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं ओके यहाँ प्रोविजन यहाँ पे मैंशन किया हुआ है कि प्रोविजन ब्रीफ में बता रखा है सब में कि पहले तो टैक्स पेयर कौन सा कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा इनकम अगेन कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट नेक्स्ट से फॉर फॉर हाउ मेनी मेनीय लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड शुड द बिजनेस इज टू बी कंटिन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए एड इज इट नेसेसरी टू बी सबमिट द रिटर्न रिटर्न लॉस इन द टाइम तो ये देखो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया तो हाउस प्रॉपर्टी का होता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही अगेंस्ट में होगा आठ साल तक होगा और तो बिजनेस कंटिन्यू होना तो कोई एप्लीकेबल नहीं है पे और अगर आपको रिटर्न करना है, वो भी जरूरी नहीं है अगर और देन लिखा हुआ है बिलो तो, बिलो तो तेक्स, तेक्स के बारे में देखा जाए तो उसके अंदर आपका स्पेकुलेशन लॉस हुआ तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट तो के अगेंस्ट में ही होगा चार साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है और आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना होगा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात करें तो ऑन अकाउंट ऑफ ऑन एब्जॉप की बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग तो ये जो है 3.1 में मेंशन किया हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव में तो एनी इनकम बट अदर देन द अंडर हेड ऑफ सैलरी सैलरी के सिवा आप कहीं पे भी इसको सेटअप कर सकते हो कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने भी साल हो आप कर सकते हो बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है नॉट नेसेसरी और रिटर्न भी टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है अगर लॉस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी के तहत होता है तो आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस फ्रॉम द यानी इनकम फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन थर्टी फाइव एडी उसमें ही आप कर पाओगे और किसी में नहीं कर पाओगे कोई टाइम लिमिट नहीं है बिजनेस कंटिन्यू करना भी जरूरी नहीं है और लेकिन टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस के बारे में बात करें तो और कोई भी बिजनेस लॉस हुआ तो वो बिजनेस प्रॉफिट वेदर द स्पेकुलेटिव और अदरवाइज कोई स्पेकुलेटिव हुआ या और कोई भी हुआ उसके अगेंस्ट में आप कर सकते हो आठ साल तक कर सकते हो और रिटर्न फाइल करना यानी आप कर सकते हो वो बिजनेस कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है लॉस हुआ है तो और आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना होगा कैपिटल लॉस के बारे में बात करें तो कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म होगा तो वो कहते हैं एनी इनकम अंडर द हेड कोई भी कैपिटल गेन में आप कर सकते हो उसको ओके okay? साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नॉट नेसेसरी कि आपका वो बिजनेस कंटिन्यू हो बट टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही वो एडजस्ट होगा आठ साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जरूरी नहीं है कि वो आपका बिजनेस कंटिन्यू हो

तो वो हम डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में